नमस्कार। इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कुछ रेयर फ्रूट्स। रेयर मतलब सीजनल फ्रूट्स जो साल भर आपको फलों के दुकान पे नहीं मिलेंगे, और कुछ फ्रूट्स तो ऐसे भी हैं जो कि फलों के दुकान पे भी नहीं मिलते, लोकली मिल जाते हैं क्योंकि ये अपने समय पर मिलते हैं। तो इनका मेरा ऐसा मानना है कि जो सीजनल फ्रूट्स होता है वो उसी सीजन में शायद कुछ बेनिफिट्स सब जीव जंतु जानवर को देता होगा, ह्यूमन बींग को भी देता होगा, इसीलिए वो उसी समय पे नेचर में पाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो उसमें से सबसे पहला नंबर है पियर्स, जिसको नाशपाती भी बोलते हैं। ये एप्पल की तरह ही होता है, इसलिए मैं इसका भी बीज निकाल के, छिलका निकाल के चिड़ियों को दे देता हूँ। इसमें भी वही एप्पल का सीड का तरह पोटासियम साइनाइड पाया जाता है, इसलिए। और इसको भी उसी तरह से ही चिड़िया खा लेते हैं जैसा एप्पल को खाते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और खाने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं, सब बहुत मज़े से खाते हैं इसको। ये है तेंदू फल। ये जिस पेड़ पे उगता है इसी के पत्तों से हमारे देश में जो बीड़ी बनता है इसी के पत्तों से बनता है। कई और जगह पे कुछ और भी कहते होंगे, हिंदी में तो तेंदू ही बोलते हैं। ये भी आपको सीजन में ही मिलेगा, शायद ये सब फलों के दुकान पे आसानी से नहीं मिलता है, ये दूर दराज जंगलों में पहाड़ी इलाकों में मिलता है। मैंने एक बार ट्राई किया तो बहुत बढ़िया से खाए हैं चिड़िया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मीठा भी होता है, पल्पी भी होता है, और इसका सबसे बढ़िया चीज़ है कि क्योंकि ये फ्रूट के दुकानों में नहीं मिलता है तो इसमें ये जो पेस्टिसाइड वगैरह का कोई दवा ववा का असर नहीं मिलता है। आमतौर पे ये पहाड़ी जंगलों में मिलता है तो आदिवासी लोग इसको बेचते हैं, उस हिसाब से ये सेफ रहता है चिड़िया के लिए। इसे तो आप बहुत से लोग जानते ही होंगे, यह है जामुन, और ये गर्मियों में ज़्यादातर पाया जाता है, और ये भी फ्रूट के दुकानों में नहीं मिलता है, इसमें भी वही पेस्टिसाइड का कोई खतरा नहीं रहता है, और इसको भी लॉरी बहुत मज़े से खाते हैं। इसमें एक चीज़ ऐसा है कि अगर ये फल खाएंगे, इसका जो डार्क पर्पल और वायलेट कलर का फल है उनका पॉटी भी उसी कलर का होता है। बहुत से लोग डर जाते होंगे, डर लगेगा कि क्या हो गया ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लॉरी का ऐसा ही होता है कि जिस कलर का खाना खाता है उसका पॉटी भी उसी कलर का हो जाता है। चीनी आलू के नाम से लोग जानते हैं इसे, ये ठंडे के मौसम में मिलता है और ये बहुत सस्ता फल है। एक ये स्वीट इन टेस्ट होता है तो इसको भी लॉरी बहुत आराम से खाते हैं, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी में उगने वाला फल है तो मैं इसका छिलका निकाल के ही देता हूँ, और इसमें कोई सीड्स वगैरह का नहीं होता है, और इसका छिलका निकालने के बाद ये पूरा सफ़ेद कलर में नज़र आता है। इसको भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया से खाते हैं, और इसको चाहेंगे भी तो आप साल भर दे नहीं पाएंगे, लेकिन ये फ्रूट के दुकानों में तो नहीं मिलता है लेकिन अपने सीजन पे ठेलों पे मिल जाता है।
ये एक किस्म का तेंदू फल ही है। ये नॉर्थ ईस्ट के साइड में ठंड के जगह पे पहाड़ी इलाकों में होता है, लेकिन ये मेनली चाइना इंडिया के बॉर्डर का चीज़ है। लेकिन ये अपने सीजन पे हर फ्रूट दुकान में मिलता है। बहुत पल्पी है, बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है। तो इसको लॉरी बहुत अच्छे से खाते हैं। ये फल फ्रूट दुकानों में मिलता है। तो लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर आप छिलका निकाल के नहीं भी देंगे तो चिड़िया वो छिलका मुंह नहीं लगाएगी, वो पल्प ही खा लेती है, वो छिलका छोड़ देती है। और इसका छिलका जो है वो स्लिपरी का है, तो इसको अच्छे से धो के सिर्फ बीच में से दो टुकड़ा करके दे देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है चिड़िया को। इसके ऊपर कोई भी दवाई जो है स्टिक करके नहीं रहता है। यह है कस्टर्ड एप्पल, ये भी सीजनल फ्रूट ही है, शरीफा बोलते हैं। इसका छिलका तो निकालना आसान नहीं है, फिर भी मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसका जो बनावट है, अगर कुछ स्प्रे किया होगा तो ये पानी में धोने से जाएगा नहीं। और आजकल तो कोई कह नहीं सकता है कि किन किन दवाइयों का अप्लाई होता है किस फ्रूट पर, तो मैं इसका भी निकाल के दे देता हूँ। ये तो पूरा स्वीट है, सॉफ्ट है, वो मीठा भी है, नरम भी है। मोटा मोटी लॉरी को ऐसा लगता होगा कि वो लॉरी फूड ही खा रहा है। आप देख रहे हैं, इसका सब कुछ ही खा लेते हैं सिर्फ बीज को छोड़ के। इसमें सीड्स जो होते हैं काले काले, उसको नहीं खाते। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने वो सीड्स निकाल दिए हैं। बहुत मज़ा लेके खाते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और लॉरी फूड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तब तक नमस्ते।